अक्षय कुमार कॉमेडी करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी तब और निखर जाती है जब अच्छी स्क्रिप्ट का साथ उन्हें मिलता है। सिंह इज ब्लिंग में अक्षय की स्क्रिप्ट ने कोई मदद नहीं की, लिहाजा थोड़ी देर में ही फिल्म में हंसी का सोर्स सूख जाता है और सिंह इज ब्लिंग अपनी चमक खो बैठती है। प्रभु देवा ने अक्षय को लेकर राउडी राठौर नामक एक्शन फिल्म बनाई थी और इस बार यह जोड़ी हास्य फिल्म लेकर आई है जो एक तरह से 2008 में रिलीज हुई सिंह इज किंग जैसी है। सिंह इज ब्लिंग में कहानी के नाम पर कुछ घिसे पिटे जोक्स और वे दृश्य हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बार आपको ये हंसाते हैं लेकिन ज्यादातर बोर करते हैं। फिल्म को अपने कंधे पर ढोने की अक्षय कुमार भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन बिना प्लॉट की कहानी को भी वे कहां तक खींचते। पहले हाफ में आप सब कुछ भूलकर थोड़ा बहुत कॉमेडी का मजा ले सकते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में जैसे ही ड्रामा हावी होता है तो इंतजार फिल्म के खत्म होने का रहता है। कहानी और स्क्रिप्ट की बात छोड़ यदि कॉमेडी की बात की जाए तो हंसाने के नाम पर फिल्म के निर्देशक प्रभु देवा भी एक सीन में लोगों पर सूसू करते नजर आए। लारा दत्ता का किरदार लड़कों को समुन्द्र किनारे ले जाकर उनके प्राइवेट पार्ट पर नारियल मारता है। फिल्म की हीरोइन कार चेसिंग सीन में हीरो की गोद में बैठकर सीढ़ियों पर कार चलाती है। अब क्या इसे कॉमेडी कहा जाए? इसे कई बेमतलब के दृश्यों के सहारे फिल्म को इतना खींचा है कि आपका धैर्य आपकी परीक्षा लेने लगता है। फिल्म का संगीत भी दमदार नहीं है, माही आजा को छोड़ सारे गाने घटिया हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर चू चे जैसी आवाजें सुनाई देती है। निर्देशक के रूप में प्रभु देवा फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए और लगातार घटिया फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए बहुत ही गलत कहानी चुनी और अक्षय कुमार के सामने उन्होंने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अक्षय कुमार ने अपना काम दिल लगा कर किया और स्क्रिप्ट से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। उनकी वजह से ही फिल्म में रुचि बनी रहती है, लेकिन अक्षय इससे बेहतर स्क्रिप्ट के हकदार हैं। एमी जैक्सन को हीरो की तरह पेश किया गया है। कई दृश्यों में हीरो मार खाता है और फिर एमी गुंडों की ठुकाई करती है। स्टंट करते समय एमी बिल्कुल विश्वसनीय लगती है। इमोशनल सीन में वे जरूर कमजोर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका काम बेहतरीन है। लंबे बाल वाले के मेनन आई एम टू गुड बोलते रहे और लगातार वे एक जैसी भूमिकाएं कर रहे हैं। लारा दत्ता का रोल अजीब था और उतने ही अजीब तरीके से उन्होंने निभाया। कुल मिलाकर सिंह इज ब्लिंग की चमक उम्मीद से कम है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।